हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ हेल्थ टिप्स शेयर कर रही हूँ, ध्यान रखने योग्य बातें जो कि हम अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं और कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, खाने के तेल को लेके रिफाइंड तेल का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं जो कि शरीर में कई तरह की बीमारियाँ पैदा करते हैं। इसकी जगह आप तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल या मूंगफली के तेल का प्रयोग करें खाना बनाने के लिए। इससे आपका हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये पहला टिप्स था फ्रेंड, जो कि किचन में यूज होने वाले ऑयल्स के लिए था। नंबर सेकंड पॉइंट है, सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। तो यहाँ पर सेंधा नमक का प्रयोग करें फ्रेंड्स, क्योंकि इससे थायराइड, बीपी और पेट ठीक रहता है। तो ये सेकंड पॉइंट था। आप चलते हैं फ्रेंड थर्ड पॉइंट्स की तरफ, देखते हैं थर्ड पॉइंट्स कौन सा है। तो अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों और अंकुरित अनाज का प्रयोग करें। तो यहाँ पे जब भी आप खाना बनाएं फ्रेंड, तो खाने में हमेशा हरी सब्जियाँ और अंकुरित अनाज ज़रूर ऐड करें। इससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, शरीर को ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा हरी सब्जियाँ और अंकुरित अनाज खाने से। नेक्स्ट पॉइंट है, खाना हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाएं, जिससे खाने में आयरन भरपूर मात्रा में मिलेगा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई से आयरन मिलता है फ्रेंड्स जब भी हम खाना बनाते हैं लोहे की कढ़ाई में। तो इसलिए खाना हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाएं। नॉन स्टिक बर्तन का यूज़ कम करें। नेक्स्ट पॉइंट है, खाना हमेशा ज़मीन पर बैठकर खाएं, जिससे खाना आसानी से पच जाता है। तो जब भी आप खाना खाएं फ्रेंड, तो ज़मीन पर पालथी मार कर बैठें, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है पेट में। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन हमेशा नियमित समय पर करें, जिससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। तो भोजन करने का एक निश्चित समय होना चाहिए फ्रेंड्स, निश्चित टाइम होना चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का हो, लंच का हो या फिर डिनर का हो। एक समय रखें और उसी समय पर भोजन करें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा टाइम पर खाना खाने से। नेक्स्ट पॉइंट है, ठंडा पानी के लिए हमेशा मटके के पानी का प्रयोग करें। तो जब भी आपको ठंडा पानी पीना हो फ्रेंड, तो मटका यानी कि घड़ा, मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसका यूज़ करना चाहिए ठंडा पानी के लिए, क्योंकि ये नेचुरल वाटर होता है, नेचुरल कूल वाटर, जो कि शरीर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, गुड़ खाने से शुगर जैसी बीमारी नहीं होती है। तो वैसे तो गुड़ सर्दियों में खाया जाता है फ्रेंड्स ज़्यादातर, बट जब भी आपका मन करे कि कुछ मीठा खाना है तो गुड़ खाइए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ज़मीन पर लेटने से कमर दर्द नहीं होता है। तो अगर आपको कमर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप ज़मीन पर लेटकर सोइए, ज़मीन पर बिस्तर लगाइए, आराम से सोइए, इससे कमर दर्द नहीं होता है। तो आज के टिप्स आपको कैसे लगे फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।